Insta360X3, इस तरह इसका स्क्रीन। अबे कैमरा फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत कूल कूल शॉट्स आ रहे हैं यार। वाओ गाइस, तो यार 360 यूज कर रहा हूँ एंड इसका यूज करने का एक जो डिसएडवांटेज ये है कि तो भाई जी भाई, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज केतन और आप देख रहे केपी व्लॉग सिल्चर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द टाइम इज अराउंड 6:30। ये वाला जो टाइम है मैं 5 मिनट फास्ट करके रखा है अपना घड़ी से। एंड ये गाइस, ये हवा पे कैमरा कैसे चल रहा है हमारे साथ। दिस इज द कमाल ऑफ द ब्रांड न्यू Insta360X3। ये एक नया टाइप का कैमरा हमारे हाथ लग गया है, उसे ही थोड़ा बहुत आज मैं टेस्ट कह सकते हैं, टेस्ट करने निकले। आज मैं पहली बार इस कैमरा को लेकर निकला हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकल के दे रहा है। वैसे तो गाइस ये हवा पे उड़ रहा है, आप जैसे देख सकते हो, ड्रोन व्यू जिसे बोलते हैं हम लोग। बहुत कुछ होता है इस कैमरा से, सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले एक अच्छा सा स्पॉट पर चलते हैं। एंड गाइस, दुर्गा पूजा जस्ट खत्म हुआ है एंड दुर्गा पूजा का फेस्टिवल पर हमने बिल्कुल भी मोटो व्लॉग नहीं किया था एंड मैं मोटो व्लॉग को इतना ज्यादा मिस भी कर रहा था ना। एंड आज फाइनली मोटो व्लॉग के लिए मैं निकला हूँ, बड़ा मजा आएगा गाइस। आज मैं 3 टाइप का कैमरा लेके निकला हूँ यहाँ पे। एक हो गया अपना हीरो 11, हीरो 9 लेके निकला हूँ यहाँ पे, Insta360X3, यहाँ पे DJI Mavic Mini 2। क्या मस्त सेटअप है भाई। चलो टेस्ट करेंगे आगे जाकर, दूधपतिल का ब्रिज चलते हैं गाइस, बहुत सुंदर भी लगता है वो ब्रिज एंड टेस्ट भी कर लेंगे वहाँ पे, ट्रैफिक भी कम रहता है ना। Now it's time to check some footages guys, कैसा क्या शूट किया है क्या नहीं, let's do it guys। तो guys यहाँ पर मैं अपना कैमरा का सारा फुटेज को टेस्ट ही कर रहा था एंड यहाँ पे फिट कर रहा था कि यहाँ पे हमें कुछ भाई लोग मिल गया, हाई कर दो एक बार। ये लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे यहाँ पे, मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और भाई यहाँ पे Insta360 को भी हम लोगों ने माउंट कर दिया, इसे भी हम लोग टेस्ट करेंगे, इसका फुटेज तो आपने देख ही लिया है ऑलरेडी एंड अभी आगे जाएंगे हम लोग। लेट्स गो गाइज, लेट्स डू इट। नीला भरा सारा आसमां जो है तेरा मेरा सरा, जागी हुई एक उमंग सा तू है मेरा। खोया हुआ एक एहसास सा चेहरा क्या मस्त व्यू है भाई, क्या मस्त व्यू है। अगर कहीं पर हमें अंदर जाने का मौका मिला खेत के अंदर, तो खेत जो है पूरा ग्रीन होके रखा है, वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है यार। अगर अंदर जाने का मौका मिला तो हम जरूर से जाएंगे, जाके कुछ सिनेमैटिक्स लेकर आएंगे यार, क्या मस्त लग रहा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि कैमरा जो है मैंने टेस्ट किया है, अभी कैमरा फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत कूल कूल शॉट्स आ रहे हैं यार, बहुत मस्त।
360 कैम गाइस 360 मस्त शॉट्स तो आने ही है। मैं एक्चुअली जगह खोज खोज के जा रहा हूँ कहाँ पर मैं एंटर कर पाऊँगा। कहीं पर अगर छोटा मोटा सा प्रॉपर रास्ता मिल गया ना मैं एंटर कर जाऊँगा अंदर। वही बात है, मिल गया रास्ता मिल गया। और सुबह सुबह ठंड भी लग रहा है यार। ये जा तो अंदर रहा है बट आई हैव अ डाउट। चलो चले ही जाते हैं यार, इतना सोच के फायदा नहीं है। जंगल में मंगल करेंगे गाइस। जंगल भी नहीं बोल सकते, खेत बोलेंगे हम इसे। वाओ गाइस, कैमरा एक्चुअली गलत साइड हो गया है, उस साइड होता तो ज़्यादा मज़ा आता। वाओ गाइस, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। तो यार 360 यूज़ कर रहा हूँ एंड इसका यूज़ करने का एक जो डिसएडवांटेज ये है कि आप जब शूट कर रहे होंगे तब आपको इसका एंड रिजल्ट पता नहीं चलेगा, क्या एंड रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने अपना दिमाग थोड़ा बहुत यूज़ किया है एंड 2-3 दिन में जितना यूज़ किया है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे शॉट लिए। अब घर पे जाके एडिट करके देखेंगे क्या बना है क्या नहीं। वैसे आपको तो हमने दिखाई दिया ऑलरेडी क्या बन गया है क्या नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स वगैरह हम लोगों ने लिया है, जो बहुत दूर दूर तक गया वो तो ड्रोन से लिया है, रियल ड्रोन से लिया है। और जो बिल्कुल पास पास पे ही था, मेरे चारों ओर ही घूम रहे थे, वो सब हम लोगों ने इस इंस्टा 360 वाला कैमरा से शूट किया है। फिलहाल तो गाइस दिस इज़ द कैमरा, इसका लेंस प्रोटेक्टर और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आ चुका है, वो सब भी हम लोग लगाएंगे। इस तरह घूम जाता हूँ, बढ़िया दिख रहा है। इंस्टा 360 X3, इस तरफ इसका स्क्रीन। इसका X2 वाला जो मॉडल है यहाँ पे स्क्रीन जो है बहुत ही छोटा दिया गया था, लेकिन X3 वाला मॉडल पे स्क्रीन बहुत ही बड़ा कर दिया गया है। अब दोबारा से गाइज इसे बाइक पे लगाते हैं एंड निकलते हैं। इस कैमरा के साथ राइड का व्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है, राइड आई मीन टू से लॉन्ग राइड। चलते यार घर चलते, एक्साइटमेंट हो रहा है मेरे को। मैं बार बार शॉट ले रहा हूँ और मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ कि कैसा क्या शॉट आया है क्या नहीं। घर जाने से ही पता चलने वाला है कि कैसा क्या शॉट आया होगा क्या नहीं। एंड यहाँ पे अपना हीरो 9 वाला जो कैमरा है, इससे भी आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग किया है माइक एडाप्टर और केस लगाकर। वैसे मैं मीडिया मोड यूज़ करता हूँ पर इस सेटअप को बहुत दिनों से नहीं निकाला तो सोचा कि इसको भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ। वही बात है, इसे भी यूज़ कर लिया। अब बाइक थोड़ा बहुत डर्टी होकर रखा है, नेक्स्ट व्लॉग से पहले आपको ये बाइक बिल्कुल क्लीन दिखने वाला है। थंबनेल एक दो क्लिक करते एंड देन निकलते हैं इस लोकेशन से। बड़ा मज़ा आया यार इस लोकेशन पर आकर। मैं आपको बता दूँ कि ये मैं दूध पतिल वाला एरिया पर हूँ। वहाँ पर जो आप देख रहे हो वही दूध पतिल वाला है, वही दूध पतिल एरिया है। एंड यहाँ से जो मेन रोड जाता है वो इस तरफ से होते हुए जाके ये रास्ता मेन रोड इस तरफ जाकर डोलो के साइड कनेक्ट हो जाता है। इस रास्ते को भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। वो जो टैंकी दिख रहा है आपको, पानी का टैंकी, उसके बिल्कुल बाजू से ही रास्ता गया है इसका। वही बात है, अब पैकअप करते हैं, निकलते हैं हमारे लियो को लेकर। अरे यार सिनेमैटिक्स पे तो लियो का शॉट ही नहीं लिया, एक दो अभी ले लेते, पिछले वाला ये सिनेमैटिक्स पर ही डाल देंगे। चलो गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस खूबसूरत सा खेत। यहाँ पे एक शॉट लेके देखता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर। हाँ बस इतना ही काफ़ी है। इसे यूज़ करके इससे प्रॉपर जो फुटेज है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं तबाही वाला शॉट, उसे निकालते निकालते कई महीने तो लग ही जाएंगे। बिकॉज नया कैमरा है, कैसा क्या होगा क्या नहीं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इस कैमरे का कि इसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है ये अभी आपको मालूम नहीं है। ये जब आप घर पर जाकर पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे तब जाकर आपको पता चलने वाला है। क्या भैया जी कैसा शॉट लिया आपने, छोटा ही कर देता हूँ भाई।
इसे सेल्फी स्टिक नहीं बोलते, इसे इनविजिबल स्टिक बोलते हैं एक्चुअली। वीडियो में ये स्टिक इनविजिबल हो जाता है। बोल ये रहा था कि ये अभी टेस्टिंग वाला फेज पे है, इसलिए यूज करते वक्त थोड़ा बहुत डर भी लगता है यार। इसका प्रोटेक्टर वेटेक्टर सब कुछ आ गया, ये सब लगा लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग इसे थोड़ा बहुत एक्सट्रीम पुश कर पाएंगे जैसे हम लोग गोप्रो के साथ करते हैं। इस तरफ चलते हैं बॉयज। बाय द वे आप लोग मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि इसका जो आपको ये इनविजिबल स्टिक वाला जो फीचर है ना वो कैसा लगा। इस पर और भी फलाना ढिनकाना मोड्स है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ टेस्ट करेंगे। बुलेट टाइम लैप्स कुछ बोल के है, फिर टाइम रैप बोल के है, टाइम लैप्स बोल के है, एक्टिव HDR है, मी मोड है। मी मोड मैं कल यूट्यूब पर देखा था वीडियो, टेस्ट करेंगे बहुत ही जल्द टेस्ट करेंगे। तो यार यहाँ पर मैं अपना गैराज पर पहुँच चुका हूँ एंड मैं आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर माउंट किया है। यहाँ पर ये एक माउंट मैंने GoPro के लिए ख़रीदा था, ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का माउंट है, बहुत अच्छा माउंट है ये। इस माउंट के ऊपर मेरा बहुत अच्छा ट्रस्ट है, पूरा मेटल का बना हुआ है। ऐसे सेम माउंट आपको प्लास्टिक का भी मिलेगा, पर मैं रेकमेंड करूँगा आपको ये मेटल वाला खरीदिए, आप लॉन्ग लास्टिंग भी है और ट्रस्टवर्दी भी है। आप लोग इतना 40-50 हज़ार रुपये का कैमरा यूज़ कर रहे हो और इस पर अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप 40-50 हज़ार को रिक्स पर डाल रहे हो। वही बात है, ये बहुत अच्छा एक माउंट है, 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। कहीं पर भी आप इसे रोटेट कर सकते हो, ऐसा कहीं पर भी आप इसे फिट करके रख सकते हो। मैं शूट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसे छुपा देता हूँ, ऐसा पीछे खड़ा होकर देखोगे तो बिल्कुल गायब ही लगेगा। दूसरा माउंट जो है मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ये भी पूरा मेटल का ही बना हुआ है। यहाँ पे ये मिरर का जो नट रहता है इसका बीचों बीच बैठ जाता है, फिर यहाँ पे आप GoPro बिठाओ, Insta360 का सेल्फी स्टिक बिठाओ, कुछ भी बिठा दो। ये भी काफ़ी अच्छा माउंट है यहाँ का। अब अनमाउंट करते सब कुछ, दैट्स इट गाइस। तो भाई Insta360 का पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद जो वीडियोस मिला ना भाई, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिला इससे। एंड अभी गाइस इस पे हम लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर और ये लेंस प्रोटेक्टर जो है उसे इंस्टॉल करने वाले हैं, फटाफट से ये कर लेते हैं तो ये भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा ना, तब जाके हम लोग इसका लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। सबसे पहले ये सब लगाते हैं। With this guys, we have come to an end of this छोटा सा vlog. अगर vlog देखते रहते यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगले vlog में, जिसके साइनिंग आउट फ्रॉम KP Vlog सेल्चर।